हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो होली स्पेशल के लिए आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ होममेड गुलाल का DIY। अब बाजार में जो गुलाल मिलते हैं वो काफ़ी केमिकल्स वाले होते हैं जो आपकी स्किन, आपकी हेल्थ को डैमेज करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि घर पर सिर्फ दो चीज़ों से आप गुलाल कैसे बना सकते हैं। तो आज का ये वीडियो बिना स्किप करें मेरे साथ एंड तक पूरा देखिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यह आता है हमारा सबसे पहले मेन इंग्रेडिएंट जो कि है पाउडर। जी हाँ, आज हम पाउडर से बनाएंगे अपने गुलाल। आप चाहें तो अरारोट, कॉर्नफ्लोर या फिर मैदे से भी गुलाल बना सकते हैं। इनसे बनाया हुआ गुलाल का DIY का वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाला है, अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसकी लिंक मेंशन की है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं पॉन्ड्स पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। आपके घर में जो भी पाउडर अवेलेबल हो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। हम पाउडर से गुलाल इसलिए बना रहे हैं ताकि हमारे गुलाल में अच्छी सी खुशबू आ सके। तो यहाँ पे पाउडर को मैंने दो अलग अलग प्लेट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, क्योंकि मैं यहाँ पे दो रंग के गुलाल बना रही हूँ, एक लाल और एक हरा। आप इसी तरीके से और रंग के गुलाल भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने दोनों कलर्स ले लिए हैं। ये जो कलर्स है ये फूड कलर्स है, एडिबल कलर्स है, जो आपकी स्किन, आपकी हेल्थ को कोई भी डैमेज नहीं करेगा। कटोरियों में आप ले लीजिए 2 से 3 चम्मच जितना पानी, ज़्यादा मत लीजिएगा, सिर्फ 2 या 3 चम्मच जितना पानी ही हमें चाहिए। और इन दोनों कटोरियों में दोनों अलग अलग कलर्स को हम मिक्स कर लेंगे। अब क्वांटिटी ऑफ कलर हमें कितनी लेनी है वो आप पे डिपेंड करता है। मतलब आपको अगर डार्क रेड कलर चाहिए तो आप ज़्यादा कलर मिलाइए, अगर आपको पिंकिश या फिर ऑरेंज कलर चाहिए तो आप रेड कलर थोड़ा सा कम मिलाइए। उसी हिसाब से ग्रीन का है, अगर डार्क ग्रीन चाहिए तो ज़्यादा मिलाइए, और कम ग्रीन, लाइट ग्रीन चाहिए तो कलर कम मिलाइए। दोनों कटोरियों में कलर डाल के चम्मच की मदद से आप दोनों कलर्स को अच्छे से पानी में घोल लीजिए। जैसे ही आपका कलर अच्छे से मिक्स हो जाएगा ना, तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको इसे पाउडर में किस तरीके से मिक्स करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ तैयार करेंगे लाल कलर का गुलाल। तो यहाँ पे मैंने अपनी पहली प्लेट ले ली है और इसके अंदर अब हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच जितना कलर वाला पानी, ज़्यादा मत डालिएगा। और हमें पाउडर को लिक्विड फॉर्म में नहीं रखना, आप यूँ समझिए कि हमें पाउडर को पाउडर ही रहने देना है। अगर आपका जो पाउडर है उसमें पानी थोड़ा सा ज़्यादा पड़ जाता है तो बिल्कुल चिंता मत करिए, आप ऊपर से और पाउडर डाल के उसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मुझे यहाँ पे रेड कलर थोड़ा सा कम लग रहा था, थोड़ा फीका लग रहा था, तो मैंने इसके अंदर रेड कलर और मिला के इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप देख रहे हैं तो यहाँ पे हमारा ये जो पाउडर है ये पाउडर के फॉर्म में ही है, बिल्कुल भी मैंने इसे लिक्विड नहीं किया, एकदम सूखा ही इसको आपको रहने देना है। तो यहाँ पे हमारा पहला गुलाल और रेड कलर का रेडी हो चुका है। इसी तरीके से हम हरे रंग को भी मिला लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी दूसरी प्लेट ले ली है, इसके अंदर भी मैंने 2 चम्मच हरे रंग का मिला दिया है और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब आप कलर को पाउडर में मिलाते हैं ना तो उसका कलर हल्का सा कम हो जाता है, इसलिए ध्यान रखिए, हो सके तो जब आप पानी में कलर मिलाए ना तो थोड़ा डार्क ही रखिएगा, क्योंकि पाउडर में मिलने के बाद वो हल्का हो जाता है। यहाँ पे मुझे ग्रीन कलर भी थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने इसके अंदर हमारा ड्राई ग्रीन कलर मिला के उसे अच्छे से मिक्स कर लिया। तो यहाँ पे मैंने अपने दोनों कलर्स को, दोनों गुलाल को तैयार कर लिया है, एकदम रेड और ग्रीन कलर, डार्क कलर्स में ये अच्छे से रेडी हो चुके हैं। तो इनको अब हम सुखाने रख देंगे। आप चाहें तो धूप में 4 से 5 घंटे के लिए सुखाइए या फिर पंखे में ओवरनाइट के लिए छोड़ दीजिए। ये प्रोसेस हमें इसलिए करनी है क्योंकि इसमें हमने हल्का सा पानी डाला है तो मॉइस्चर है, तो हमें हमारे गुलाल में ज़रा भी मॉइस्चर नहीं चाहिए। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से ये सूख चुका है, मैंने इसे धूप में रख दिया था 4 से 5 घंटे के लिए। तो इसमें हमने थोड़ा सा पानी डाला था ना, तो हल्की छोटी छोटी सी इसमें गुठलियाँ पड़ गई हैं, तो हम इसे अच्छे से पीस लेते हैं ताकि बिल्कुल बाजार जैसा गुलाल हमारा यहाँ पे तैयार हो। तो यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर का गुलाल मेरा रेडी हो चुका है, एकदम चिकना, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, बहुत प्यारा सा कलर तैयार हो गया है। और उसी जार में मैं रेड कलर को भी मिला के उसको भी अच्छे से पीस लूँगी। तो यहाँ पे मैंने अपने दोनों गुलाल को तैयार कर लिया है झटपट, वो भी सिर्फ 2 चीज़ों से। तो आप भी इन दोनों कलर्स के DIY को घर पर ट्राई करिए। आपका फीडबैक, आपका एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स पर ज़रूर शेयर करिएगा कि पाउडर से आपके गुलाल कैसे तैयार हुए। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय। और आज का DIY का वीडियो अच्छा लगता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए।